इंदौर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला। नगर निगम पर कांग्रेस का यह प्रदर्शन हुआ। निगम में भ्रष्टाचार को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे थे ये नेता। निगम आयुक्त ने के न मिलने पर धरना दिया। निगम आयुक्त से मिलने पर कांग्रेस नेता अड़े रहे और प्रदर्शन करते हुए नजर आए। निगम में भ्रष्टाचार को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। नगर निगम के बाहर धरना देते नजर आए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इंदौर की। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, कांग्रेसी धरना देते नजर आए, आखिर क्या है पूरा मामला? नगर निगम कार्यालय पर नगर निगम के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, चिंटू चौक से पार्षद राजू भदौरिया और कांग्रेस के तमाम जो भी पार्षद हैं, वो नगर निगम कार्यालय पे इकट्ठे हुए और ये ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे नगर निगम कमिश्नर को। जो फर्जी बिल घोटाला हुआ है, फर्जी बिल का जो पूरा मामला है, उसमें बड़ी उच्च स्तरीय टीम बनाकर जांच कराने के लिए, इसमें तमाम बड़े अधिकारी भी दोषी हैं, सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन देने जब पहुंचे तो नगर निगम कमिश्नर वहां पे नहीं मिलते हैं और इस बात पर वो अड़ जाते हैं कि अब ये ज्ञापन जो है वो नगर निगम कमिश्नर को ही देंगे और इस बात को लेकर काफी हंगामा भी देखने को मिला। और तमाम जो नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष है, तमाम पार्षदों के साथ जमीन पे बैठ गए, कार्यालय के सामने ये नारेबाजी चलती रही। और आज कांग्रेस ने 6 घंटे के अंदर दो बड़े प्रदर्शन किए। पहला प्रदर्शन ईडी कार्यालय पे पहुंचकर, जिसमें पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी शामिल हुए, सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी कार्यालय पहुंचे और नगर निगम फर्जीवाड़ा मामले को लेकर वहां पर नारेबाजी की। दूसरा प्रदर्शन नगर निगम में हुआ।